और इन सबके बीच में यूक्रेन ने रूस पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दिया, जिसका दावा इटली की मीडिया ने किया। उनके मुताबिक रूस के खिलाफ बड़े हमले की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी, जिसका मतलब हुआ कि यूक्रेन जल्द ही रूस पर बड़ा हमला कर सकता है। इटली की मीडिया के मुताबिक अपने यूरोपीय सहयोगियों से मुलाकात के दौरान जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि वो जल्द ही रूस के खिलाफ बड़ा कदम उठाएंगे। इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी और वो किसी भी वक्त रूस पर हमला बोल सकते हैं। जेलेंस्की का ये दावा है कि जब रूस पर यूक्रेन कार्रवाई करेगा तो पूरी दुनिया उसकी गवाह बनेगी, जिससे जुड़ा हुआ बड़ा कदम यूक्रेन जल्द उठाने वाला है। उसे भरोसा है कि इस हमले से वो पूरे रूस को हिला देगा और इस जंग में जीत हासिल करेगा। इधर रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इटली पहुंच गए और वहां उन्होंने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पोप फ्रांसिस को बुलेट प्रूफ टी शर्ट गिफ्ट की। उनकी और पोप की मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। युद्ध शुरू होने के बाद जेलेंस्की पहली बार रोम के दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन इसी बीच कई बार फोन पर दोनों की बात हुई। पोप फ्रांसिस युद्ध खत्म कराने वाले एक शांति मिशन में भी शामिल रहे और 30 अप्रैल को हंगरी की यात्रा से लौटते वक्त फ्रांसिस ने कहा था, अभी एक मिशन है लेकिन वो सार्वजनिक नहीं है, जब ये सार्वजनिक होगा तो मैं इसका पर्दाफाश करूंगा। उनका ये बयान रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के बारे में था। और इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के मैदान से बड़ी खबर आपको बता दें, वहां रूस ने यूक्रेन के सैनिकों पर बड़ा आरोप लगा दिया। दावा यह किया गया कि कीव में आम लोगों पर हमला किया गया, यूक्रेन ने ब्रिटेन की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जिसमें 6 बच्चे घायल हो गए। और रूस के इस दावे के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। आरोपों के मुताबिक यूक्रेन ने ब्रिटेन की हवा से हवा में मार करने वाली लंबी मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। दावे के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से यह हमला कीव प्रांत के लुहांस्क शहर में किया गया। इसके अलावा रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिकों ने 2 और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया और इस हमले में उसने ब्रिटेन की हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल किया। जबकि ब्रिटेन अपने हथियारों का आम लोगों पर इस्तेमाल किए जाने के सख्त खिलाफ है, लेकिन दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने उसकी मिसाइलों का इस्तेमाल किया और 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। रूस के रक्षा मंत्रालय के दावा उसके सैनिकों के हमले में मारे गए यूक्रेन के सुखोई SU-24 और MiG-29 के बाद सामने आया, जिनके जरिए नागरिक क्षेत्रों में ब्रिटेन की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को गिराए जाने की बात कही गई, जिसकी वजह से लुहांस्क की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और आम लोगों की जिंदगी पर भी खतरा मंडराने लगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने वाला ब्रिटेन पहला देश है और इसका गलत इस्तेमाल कर उसने बड़ी दुश्मनी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उधर रूस के मीडिया ने यूक्रेन पर हमले का आरोप लगाया। दावा ये किया गया कि इस हमले में रूस के 2 फाइटर जेट और 2 जंगी हेलीकॉप्टर तबाह हो गए, जिसका वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें हमले के बाद एक इमारत के पास से धुएं का गुबार उठता दिखा। बताया गया कि रूस के विमान पर यह हमला यूक्रेन बॉर्डर के करीब हुआ, जिसमें रूस के Sukhoi-34, Sukhoi-35 और 2 MiG-8 हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। बताया गया कि फाइटर को निशाना तब बनाया गया जब वो चार्नोहिव में हमले की फिराक में थे, जबकि 2 हेलीकॉप्टर बैकअप के लिए थे।